हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था सेंट्रलाइजेशन, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जब भी होती है उसके हर एक लेवल पे एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल बन गया, ठीक है, स्कूल में टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर स्वीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो पहले से सिस्टमेटिकली पता है ना सबको। तो पहले से सिस्टमेटिकली अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं हर एक पोजीशन की, वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखना, उस सिचुएशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर ऑफ अथॉरिटी। हर एक के पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी होती है, ठीक है। अगर थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी हर एक के पास नहीं होगी तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको स्कूल की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, टीचर के पास अथॉरिटी है कि वो पढ़ा सकता है, जो भी तरीका उसको आता है उस तरीके से वो पढ़ा सकता है। मगर अगर फुल अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास होगी और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, तो हर तीसरे दिन जो है वो टीचर प्रिंसिपल के पास जाके ये थोड़ी ना पूछेगी, मैडम अब ये चैप्टर शुरू कर दूँ, मैडम अब वो चैप्टर शुरू कर दूँ, ऐसा थोड़ी ना होएगा। तो उनके पास भी कोई अथॉरिटी होगी कि काम किस तरीके से करना है। उस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जब कंपनी बनती है तो शुरू से डिसाइडेड होता है कि भाई कौन कौन सी पावर्स किस किस में कितनी कितनी डिवाइड होंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला, इट इज़ मच मोर देन मेयर अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल। ये सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर या अथॉरिटी पास ऑन नहीं करता, उनके पास पहले से अथॉरिटी होती है काम करने की। नेक्स्ट, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है जो टीचर के पास अथॉरिटी होगी वो पीएन के पास नहीं होगी, जो पीएन के पास होगी वो क्लर्क के पास नहीं होगी। सिलेक्टिव डिस्पर्सल का मतलब हर एक को अपने अपने लेवल की अथॉरिटी दी जाती है। थर्ड पॉइंट, इट बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। इस टाइप की जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये एज्यूम करके चलती है कि जो भी हमने लोग डिफरेंट पोजिशंस में एम्प्लॉय सिलेक्ट किए हैं वो कॉम्पिटेंट है काम करने के लिए, कैपेबल है और रिसोर्सफुल है, वो काम कर भी सकते हैं, इसलिए तो उनको डिफरेंट टाइप्स की अथॉरिटी पहले से ही गिवन है। नेक्स्ट, इट एज्यूम्स दैट मिडल लेवल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर कैपेबल। ये एज्यूम करता है कि टॉप लेवल ये एज्यूम कर देता है कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं वो कैपेबल हैं, वो अपना काम खुद अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए तो शुरू से ही पावर दे दी उनको। इट रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन को ये पता होता है कि हमें डिफरेंट लेवल्स पे अथॉरिटी चाहिए, इसीलिए तो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हर दो दो मिनट के बाद उन एम्प्लॉयज़ या उन मैनेजर्स को टॉप लेवल पे पूछने ना आना पड़े कि अब ऐसा कर लें वैसा कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजंस विच विल बी पुश डाउन टू द लोअर लेवल्स। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट करती है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ नीचे वालों को देनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।